सो हे व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर अपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा रीच मिल जाए, उससे थोड़ी सी सहायता हमारी भी होगी रीच मिलने में, ताकि हम भी ग्रो हो सकें। तो आज है न्यू ईयर, तो आप सभी को और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो न्यू ईयर था, न्यू ईयर में ही हम साल की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। हम जा रहे हैं अभी गोल्डन टेम्पल, हम अभी रात की ट्रिप, हम रात को ही निकलने वाले हैं बस। मतलब आज मन है, हम न्यू ईयर के अगले दिन पहुँचेंगे गोल्डन टेम्पल। हम वहाँ पर गोल्डन टेम्पल के दर्शन करेंगे, मतलब हरमंदिर साहिब के दर्शन करेंगे, और उसके बाद हमारा एक खुद ही तगड़ा प्लान है। मतलब यहाँ से हम आउट ऑफ इंडिया भी जाने वाले हैं, वो एक सिर्फ एक दिन के लिए जाएंगे। वो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा मैं वो। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से हम निकलते हैं, हमारी पूरी बस बुकड है, बहुत सारे बंदे हैं। तो अभी निकलते हैं पहले घर से रेडी होकर जल्दी से, क्योंकि एज यूजुअल लेट हो रहे हैं। तो लेट्स गो। सो गाइस, ये पूरी बड़ी वाली बस हमारी आज राइड होने वाली है। ये बहुत बड़ी बस है, मैं आपको कहीं और दिखाऊंगा। अभी थोड़ी सी यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो अभी शॉर्ट्स भी थोड़े कम ही आएंगे। कभी हम जहाँ रुकेंगे आपको सीधा तभी मिलते हैं, और थोड़े बहुत आप देखोगे रास्ते के शॉर्ट्स। और तो बस सो गाइस, हमारी जो ट्रिप की जो जर्नी है, हम यहाँ से सीधा वहीं पर ही शॉर्ट काटेंगे। रात को अच्छे शॉर्ट्स आ नहीं रहे थे, और बहुत सारे लोग थे, आपको सबको दिखा दो। पूरा पूरा ग्रुप है मेरे से, सारे बड़े ही हैं, मतलब एजेंट है, सारे एजेंट का ग्रुप है ये वाला। वो पीछे हमारे देखो वो बस खड़ी है, वहाँ पे हमें बस पार्क कर दिया। हम यहाँ पे रुके थे, हम मयूर ढाबा पे रुके थे, हमने यहाँ पे खाना खा लिया है, और आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सारे बंदे हैं, सब एजिंग है, मतलब कोई सब डिफरेंस है, मतलब मैं फंस चुका हूँ। आओ चलें सबके पास, हमारा वो पूरा ग्रुप बैठा हुआ है वहाँ पे। तो ये पूरा हमारा ग्रुप बैठा है। हेलो हेलो हेलो, सब इधर 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 इधर, हेलो इधर इधर इधर। हाँ, तो ये पूरा हमारा ग्रुप बैठा है, पूरा जत्था से बना हुआ हमारा। तंदूरी चिकन, मटन चिकन, मटन नहीं, लेमन चिकन। ठीक, हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो सबको, हेलो हेलो। सो गाइस, तो आपने हमारा पूरा ऐसे ग्रुप देख लिया, तो यहाँ पे मेरे को आने पड़े, क्योंकि मेरे को जो अल्टीमेट लोकेशन पे जा रहे हैं ना, वहाँ मेरे को जाना ही जाना है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और ठंड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, कुछ 7-8 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो मैंने बहुत कम लेवल पर, बहुत ठंड लग रही है, तो देखो धुआं निकल रहा है, तो समझ लो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो बस अभी जल्दी से एक बार जरा मामला सेट हो जाए, खाना वाना खा लें, और उसके बाद हम निकलते हैं वापस अपने ट्रिप पे। और एक मैं छोटा सा टाइमलेस लूँगा, थोड़े बहुत टाइमलेस लूँगा, मुझे आते वक्त तो मैंने लिया ही नहीं टाइमलेस, क्योंकि ज़्यादा मन ही नहीं कर रहा था, तो जाते वक्त लेंगे। तो लेट्स गो। तो गाइस, ये देखो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अमृतसर, ये हमारा होटल है द रिजेंटा सेंट्रल। तो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं, कुछ कितने बज रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं, और ठंड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे अभी। तो अभी होटल में तो देखते हैं, मेरे ख्याल से रूम अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारी चेक इन 12 बजे की है। तो आपको थोड़ा बहुत पास से होटल दिखाते हैं, होटल के अंदर चलते हुए देखते हैं कैसा है थोड़ा बहुत होटल, यही देख लेते हैं क्या करेंगे होटल में, थोड़ी देर बैठेंगे। तो ये ऐसे होटल है हमारा, वाह, आओ अंदर चलते हैं थोड़ा सा घूमते हुए। होटल ऐसे बना रखा है, ये होटल झूमर लगा हुआ है। तो ये हम आ गए होटल के रिसेप्शन एरिया में, तो यहाँ पे ऐसे बना रखा है, वाह, क्रिसमस की डेकोरेशन भी बढ़िया, क्रिसमस की डेकोरेशन भी बढ़िया, वाह गाइस मज़ेदार एकदम। गाइस देखो यहाँ का ये बैंक्वेट हॉल, वो लगता है यहाँ पे, यहाँ पे कल ही न्यू ईयर पार्टी भी होगी, मतलब परसों ही होगी। और यहाँ पे थोड़ा सा गर्म है, वरना बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, और ठंड के बारे में बहुत ज़्यादा ठंड है, बस क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे 6-7 डिग्री हुआ है, 5-6 डिग्री हुआ है, और फील कर रहा है 1-2 डिग्री। तो हम थोड़ी देर
यहीं पर ही बैठेंगे क्योंकि हमको कुछ कर नहीं सकते। इसमें अगर रूम नहीं है वरना देखते हैं क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो कहीं और ही जाएंगे वहाँ, और कोई फायदा या रास्ता तो है नहीं। पर वैसे पहले रूम मिलना नहीं मेरे हिसाब से। सो गाइस अभी हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ करके 7:30 बजे से हम 10 बज चुके हैं, हम 3 घंटे बिता दिए और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए ताकि 1.5 घंटा और बीत जाए, उसके बाद हमको रूम मिल ही जाएंगे। तो अभी फिलहाल जो हमारी जो बस है वहाँ पे जाते हैं और फिर चलते हैं कहीं नाश्ते में। और बड़े पापा कितने चल रहे हैं नाश्ते में? बस यार देखते हैं काना ते चलते हैं, इतने देखो कोई देसी गुदी पूरी है काना ते, देसी की थी पूरी। और अंकल जी काना स्वीट अमृतसर। अब बेटा जाएंगे काना काना, हाँ नाश्ता करेंगे, पूड़ी वूड़ी खाएंगे और फिर अपना होटल वापस आएंगे। हो गया आपका वीडियो में अपीयरेंस हो गया। हेलो 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 हाँ साड़ी बस बीच बैठते हैं फिर चलते हैं। गाइस हम आ चुके हैं ये काना स्वीट, इसका पूरा ऐसा शोरूम बन रखा है, तो हम आगे जा रहे हैं जहाँ पे पूड़ी मिलती है, इसकी जो कि पूड़ी फेमस है। ये देखो पूरा फुल भरा हुआ है, हम भी अभी ऑर्डर देते हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि कैसा है आखिर कन्हैया का खाना का स्पेशल पूड़ी कैसी है देखते हैं। तो गाइस ये आ चुकी है काना की पूड़ी, ये तो भटूरा लग रहा है, मम्मी भटूरा नहीं है कैसा है बड़े कैसा है कैसा है? बढ़िया कैसा है कौन? मैं भी खा के देखता हूँ कैसा है। ये थोड़े से मीठे हैं तो ये तो बस सही है, बढ़िया है, मतलब आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे फेमस जो लोग खाते आते हैं तो कुछ बढ़िया होगा, ये भी क्या कह सकते हैं, मतलब मैं खा लेता हूँ उसी तरह पास में। तो गाइस हमने ये काना की लस्सी भी ट्राई करी, लस्सी भी बहुत टेस्टी है, आप लस्सी तो कभी ट्राई करना, इससे ज़्यादा टेस्टी मेरे को लस्सी लगी, लस्सी बहुत टेस्टी बैलन की हुई। कैसी लगी लस्सी बड़े पापा? लस्सी कैसी है? हेलो लस्सी लस्सी बहुत गजब की है, बढ़िया लस्सी है। सो गाइस देखो यही है हमारा लुक, रूम टू मैं आपको थोड़ा टाइम बाद दूंगा क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो जब वो साफ कर देगा रूम टू मैं आपको तब दे दूंगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ से वापस आए, मतलब जो हम ब्रेकफास्ट करने गए थे उससे वापस आए, उसके बाद हम थोड़े से रेडी वेडी हुए, अभी बजने कुछ 3:30 हो गए, थोड़े देर सो लिए थे। तो अब सोने के बाद हमने सोच लिया हम जाएंगे दरबार से आपको हरमंदिर साहब को दर्शन कराते हैं, अब आपको गोल्डन टेम्पल के दर्शन कराते हैं, उसके बाद इस ब्लॉग को करेंगे ख़त्म। तो उसके बाद अगला ब्लॉग शुरू करेंगे, उसमें हम अपने मिस्ट्री डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं, तो लेट्स गो। गाइस अब हम आ चुके हैं यहाँ पे मेन मार्केट एरिया में, और ये भीड़ के हिसाब से देख लेना कि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि संडे और न्यू ईयर का अगला दिन भी है, और इसी भीड़ बहुत ज़्यादा तो दर्शन में बहुत समय लगेगा है ना, बहुत समय 2-3 घंटे लग जाएंगे। और आगे बाकी हम देखते हैं, पहले कुछ लंच वंच कर ले थोड़ा बहुत कुलचा वुलचा। तो गाइस हमने वहाँ पे जूता सबमिट करा दिया और अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल के अंदर, देखते हैं गोल्डन टेंपल में ज़्यादा भीड़ हुई तो हम दर्शन को स्किप कर देंगे, हम दर्शन कल कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा भीड़ में 3-4 घंटे लग सकते, तो रास्ता का टाइम है तो उसमें भी लगभग 1 घंटा पार हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल जाके अंदर देखते हैं क्या हो रहा है गोल्डन टेंपल। देखो सनसेट के साथ गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे देखो लाइन कितनी लंबी है। तो गाइस अब हम एंटर हो रहे हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर, तो गाइस ये रहे हरमंदिर साहिब जी, तो ये है सरोवर और ये है बेली का पेड़, यहाँ का जो बेली का पेड़ है, तो आप अच्छे से देखो कितना मस्त तरीके से डेकोरेट कर रखा है गाइस, और भीड़ का तो अंदाज़ आप देख ही सकते हो, देख रही आप कितनी भीड़ है। तो अभी हम देख गाइस ये वही है जो टीवी पे आता है आपको, ये देखो तो ये टीवी पे जो आते हैं ये वही है, ये बहुत बिल्कुल मस्त शो है। सो देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है गोल्डन टेम्पल, कितना सुंदर दिख रहा है, वाह गाइस। और गाइस वहाँ पे एंट्री एरिया, वो देखो लाइन देखो गाइस, गाइस भीड़ देखो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ तो, ओ भाई गाइस ये लाइन वहाँ से यहाँ तक लाइन चल रही है, देखते कैसे होता है दर्शन, आज नहीं होता ना कल ही करेंगे। और वो साथ हमारी भाषा
गाइस आपने पहले तो देख लिया था गोल्डन टेम्पल, अब रात में देख लो गोल्डन टेम्पल। देखो गाइस कितना सुंदर लगता है ये रात का नज़ारे में। तो गाइस हमारे वो भी दर्शन तो बड़े अच्छे तरीके से हो गए, एक ही घंटे में सारे दर्शन कंप्लीट हो गए एकदम बढ़िया। तो सबको देखो कितनी लंबी लाइन के बावजूद भी हमारे दर्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो गए। तो बस अब हम होटल वापस चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। देखो बाहर अभी भी भीड़ उठती है, रौनक पूरे दिन रहती है। और बस अब ये रहे गोल्डन टेम्पल के बाहर वाला गेट, बस हम एग्जिट करते हैं, मार्केट में दिखाते हैं, मार्केट थोड़ा बहुत दिखा देते हैं आपको चलते हुए। चलो गाइस ये देखो पूरी फुल रौनक रहती है इस मार्केट में, मार्केट एरिया। ये रहे भाई कुलवंत सिंह के खोलचे, तो ऐसी गाइस ये भी फेमस सॉफ्टी शॉप है वहाँ पे। और वो रहे गाइस क्या है वहाँ पे पड़े 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 तो चाचा लस्सी वाला भी है गाइस। और यहाँ पे बहुत सारी फेमस दुकानें हैं, बहुत सारी मार्केट है। बस अब हम चलते हैं। चलो तो देखो हम कैसे जा रहे हैं। ऑटो का मजा बेटा, वीडियो बना हम ऑटो की सैर हमने करी। हाँ चल गए फ्रेश, बहुत अच्छा लगा, ऑटो का मजा आया, ऑटो का मजा। तेज से बोलो, हमको तो खिलाई नहीं आपने। वो हम भी रहे थे, हमने हम अकेले अकेले खाए, हमने केसर के डांबे का खाना खाया, हमने भी चाय पी, हमने भी चाय पी, माइनस पकौड़ा, माइनस पकौड़ा, हाँ पकौड़ा, माइनस पकौड़ा आज हमने। देखो कितनी फट्टे में बिठा दिया, गाइस देखो इसने फट्टे में बिठा दिया इसने। गाइस आपको एक मस्जिद दिखाऊंगी, देखो सिर्फ सेंसर लाइटिंग, देखो अपने आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना चलती जाएगी ये, देखो ये देखो है ना बढ़िया। आप जैसे भी वापस आपको उस साइड चलते हुए दिखाएंगे, उस साइड तो आगे चल रहे थे। तो आओ गाइस आपको रूम टूर देते हैं, ये खुल गया, पहले लाइट जलाते हैं कमरे की, थोड़ी घुस जा इधर फंसेगा इधर फंसेगा। ओह गाइस चलो, तो इधर ये हमारे टची वटची पड़ी है, तो इधर अलमीरा है, कुछ ऐसे अलमीरा यहाँ पे सोना रखने वाली है और कुछ ऐसे है। तो गाइस सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे टॉयलेट, तो टॉयलेट कुछ ऐसे है और यहाँ पे ये टॉयलेट बस हेलो, तो ये टॉयलेट कुछ ऐसे है। और ये भी चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये वाली बड़ी मस्त है। तो गाइस ये पूरा सूट रूम है, मतलब बड़ा वाला सूट है। तो यहाँ पे एक सोफ़ा, हमको एक यहाँ पे ऐसे सोफ़ा मिलता है, और ये अपना बेड, और यहाँ पे अपने को टीवी मिलता है, और यहाँ पे शीशा मिलता है हेलो। तो बस ये मतलब कनेक्टिंग रूम भी है, साइड वाला रूम भी हमारे ये। तो ये देखो ये साइड वाला रूम, अभी तो अंधेरा हो रहा है तो आपको वो रूम में अभी कोई है नहीं। और यहाँ पे ऐसे खिड़की खुल जाती है, तो अभी रात ही हो रही है तो मैं आपको भी क्या दिखाऊँ। तो यहाँ पे हमको एक टेबल मिल जाती है, यहाँ टीवी, और एक हीटर भी मिलता है हमको यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस ये देखो ये पूरा ऐसे ही होता है। हाँ हाँ हाँ, तो अगर आपको वहाँ से मस्त व्यू एंजॉय करते हो, आपको पर्दे बैठा लो और फिर नहाते हो अपना मस्त व्यू एंजॉय करो, या बॉम्बिंग करते हो भी व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो इसको वापस बंद कर देते हैं जूम। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपने भी पिछले शॉट में देखा था, मैं आपको दबा से दिखाया, तो उसके बाद हमने डिनर किया, डिनर हमने ऊपर ही किया था यहाँ पे, वो मैं आपको लोकेशन कल दिखाऊंगा। कल हमारा कोई प्लान व्लान सेट है, तो वहाँ पे कुछ मस्त सा सेट होगा, मैं वो पूरा होटल टूर में ही दिखा दूंगा वो सब कुछ। वो होटल टूर आएगा कल की वीडियो, कल जो वीडियो शूट होगी उसके बाद, जब कल जो मिस्टीरियस लोकेशन पे जा रहे हैं उसके बाद वो होटल टूर की वीडियो शूट करूंगा। तो अब कल सुबह हमको जल्दी से निकलना है, सुबह 8 बजे निकलना है मिस्टीरियस लोकेशन पे हमारे, जो हम जा रहे हैं वो अगली वीडियो आपको पता चली जाएगा। तो आपको अगली वीडियो जरूर देखनी है, तो इस वीडियो को पहले यहीं पर खत्म कर दे। सो फिर लाइक द वीडियो, फिर लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मैं मिलते हैं।